नमस्कार, मैं हूं स्वाति रायना। कोविड की वजह से कई सेक्टर्स के काफी इम्प्लॉयज वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, मतलब आपका घर आपका ऑफिस स्पेस भी बन चुका है। यानी आपके घर की अहमियत पहले से और कहीं ज्यादा बढ़ चुकी है। अब इस बढ़ती अहमियत के मुताबिक आपको भी अपने घर की सुरक्षा करनी चाहिए। और सुरक्षा से यहां पर मतलब ये हुआ कि अगर किसी वजह से आपके घर को कोई नुकसान पहुंचता है या आपके घर के सामान को कुछ नुकसान पहुंचता है तो नुकसान की भरपाई करना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसलिए आज के इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं होम इंश्योरेंस की। होम इंश्योरेंस की कुछ बारीकियां आज के इस वीडियो में समझेंगे, जैसे क्यों जरूरी है होम इंश्योरेंस, क्या होता है होम इंश्योरेंस में क्या क्या शामिल होता है और किन घटनाओं पर आपको कवरेज मिलता है एक होम इंश्योरेंस प्लान में। अब घर को हम बहुत प्यार और मेहनत से बनाते हैं या फिर अपनी जिंदगी भर की गाढ़ी कमाई एक घर खरीदने में लगा देते हैं, काफ़ी इमोशनल वैल्यू हमारा घर से जुड़ा हुआ होता है। अब अगर इसी घर को किसी वजह से कोई नुकसान पहुंचता है तो बहुत ज़्यादा मॉनेटरी लॉस हमें झेलना पड़ जाता है, जिसकी भरपाई करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है काफ़ी टाइम। अब इस मॉनेटरी लॉस से बचने में ही आपकी मदद करता है होम इंश्योरेंस। होम इंश्योरेंस घर या फिर घर के सामान को हुए नुकसान की भरपाई करता है। चलिए जानते हैं कौन कौन से नुकसान की भरपाई होती है, मतलब किन घटनाओं का कवरेज एक होम इंश्योरेंस पॉलिसी में मिलती है। अब जैसे घर में आग लग जाए, शॉर्ट सर्किट से आग लगने के कई मामले सामने आते हैं, बाढ़ से घर को नुकसान पहुंचता है, भूकंप से क्षति पहुंचती है, कई जगहों पर सुनामी से घरों को नुकसान पहुंचता है, घर का सामान चोरी होने की घटनाएं काफ़ी आम है, बिजली गिरना, जमीन खिसकना, यहाँ तक कि आतंकी घटनाएं भी होम इंश्योरेंस में कवर होते हैं। अब जैसे पिछले कुछ समय में बंगाल और महाराष्ट्र में तूफान आने से काफ़ी घरों काफ़ी बिल्डिंग्स को नुकसान पहुंचा। अब इन जगहों पर रहने वाले जिन लोगों ने होम इंश्योरेंस कराया होगा उन लोगों की नुकसान की भरपाई कवरेज से हो गई होगी। या फिर मॉनसून सीजन में कई जगह भारी बारिश की वजह से घर को नुकसान पहुंचता है, इसलिए बेहतर है आप पहले से तैयार रहें। अब सवाल यह है कि एक तो आपका घर यानी स्ट्रक्चर है, दूसरा उसके अंदर का सामान आपकी प्रॉपर्टी, होम इंश्योरेंस के कवरेज का दायरा क्या है। आप अपने घर यानी सिर्फ ढांचे को भी इंश्योर कर सकते हैं और साथ ही उसके घर के अंदर रखे सामान जैसे फर्नीचर, इलेक्ट्रॉनिक का सामान, इवन गहनों को भी आप इंश्योर करा सकते हैं। लेकिन जो गहने और कीमती सामान है वो एड ऑन कवरेज में आता है। वहीं थर्ड पार्टी रिस्क कवरेज भी होता है होम इंश्योरेंस में। जैसे आप घर के बालकनी पे कोई गमला रखते हैं, वो किसी की गाड़ी पर गिर जाए, उसकी गाड़ी में कुछ नुकसान पहुंचे, तो उसकी गाड़ी को जो नुकसान पहुंचता है वो गलती आपकी मानी जाएगी और ये कवरेज आपको थर्ड पार्टी रिस्क में मिल जाएगा। इसलिए ये तीनों इंश्योरेंस, मतलब घर का इंश्योरेंस, घर के सामान का बीमा और थर्ड पार्टी रिस्क लेना बेटर माना जाता है। अब जो बेसिक होम इंश्योरेंस होता है उसमें घर को हुआ नुकसान, घर का कीमती सामान शामिल होता है और एड ऑन कवर के लिए कीमती सामान जैसे गहने शामिल किए जाते हैं। अब नुकसान की भरपाई कैसे होगी, मानिए किसी तूफान की वजह से घर में नुकसान हुआ जिसमें मरम्मत कराने की नौबत आ गई, तो इस मरम्मत के खर्चे जो कि कंस्ट्रक्शन कॉस्ट है उसकी भरपाई होम इंश्योरेंस पॉलिसी का जो सम इंश्योर्ड राशि है उससे हो सकती है। अब घर के अंदर सामान रखा होता है जो या तो कई बार चोरी हो जाता है या फिर किसी वजह से डैमेज हो जाता है किसी नेचुरल क्लैमिटी की वजह से, जो हमने आपको पहले बताया, होम एम्प्लायसेज है, पोर्टेबल इक्विपमेंट है, आपका सेलफोन है, लैपटॉप है, टीवी है, फर्नीचर है, बाढ़ में पानी की वजह से ख़राब हो गया। अब ये सब सामान भी अगर आपने कवर कराया है तो इनके डैमेज या फिर चोरी होने पर इनके मार्केट वैल्यू के हिसाब से आपको भुगतान होगा, इंश्योरेंस कंपनी आपको पे करेगी। अब कई लोग अपने घर पर गहने भी रखते हैं जो अगर चोरी हो जाए तो पॉलिसी में आप इसे क्लेम कर सकते हैं एक एड ऑन पॉलिसी लेकर, जिसमें घर के गहने और फिर कीमती सामान कवर होते हैं। ध्यान यहाँ पर इस बात का रखना है कि जिस जिस सामान का आपने बीमा कराया है उसकी डिटेल्स या फिर आपके पास रिटर्न हो, उसका कागज़ हो या फिर उसकी फ़ोटो खींच कर, इवन बेटर एक वीडियो बना लें अपने पास रखें, क्योंकि सामान की कीमत कितनी थी इसकी जानकारी आपको होनी चाहिए और क्या क्या सामान आपके पास था। अब
क्लेम लेते समय क्या होता है? आप सबसे पहले अपने इंश्योरेंस प्रोवाइडर को कॉल करते हैं, सारे डॉक्यूमेंट्स इंश्योरेंस कंपनी को आपको देना होता है, जैसे कि आपने FIR कराया है, घर का सामान चोरी हुआ तो उसकी कॉपी, अपनी पॉलिसी की जानकारी, कौन सी पॉलिसी आपने ली, सभी बिल्स जिस जिस सामान को नुकसान पहुंचा, रिपेयर एस्टिमेट की कॉपी, फिर आपकी क्लेम रिक्वेस्ट वेरीफाई होने के बाद अगले 2 दिन में यानी 48 घंटे में सर्वेयर आता है जो कि नुकसान को देखता है, समझता है। सर्वेयर चेक करेगा कि क्लेम किया सामान आपके पास था नहीं था, क्या आप सामान की सही कीमत बता रहे हैं कि नहीं बता रहे, यहीं पर आपके डॉक्यूमेंट्स काम आते हैं। लेकिन यहाँ पर ध्यान रखें, नुकसान होने पर आपको 1 से 2 हफ्ते के बीच में इंश्योरेंस कंपनी को उसकी जानकारी देनी है, वरना उसके बाद देरी करने पर क्लेम मिलने में दिक्कतें आ सकती हैं। अब लोग हमसे पूछते हैं कि होम इंश्योरेंस किसे लेना चाहिए, होम ओनर को या बट जो रेंट पे रह रहा है उसको भी लेना चाहिए? बिल्कुल लेना चाहिए, क्योंकि अगर आप रेंट पर भी रह रहे हैं, घर का अंदर का सामान तो आप ही का है ना। आप आसानी से आपको कौन सी पॉलिसी सूट करती है ऑनलाइन चेक कर सकते हैं, प्रीमियम कंपेयर कर सकते हैं ऑनलाइन, कितना कवरेज आपके लिए सही है ये ऑनलाइन चेक किया जा सकता है, कंपनी का क्लेम सेटलमेंट रेशो ज़रूर चेक कीजिए ऑनलाइन, कंपनी की रेपुटेशन कैसी है ये सब आप देख सकते हैं, पॉलिसी में क्या शामिल है क्या नहीं, मतलब एक्सक्लूजन और इंक्लूजन्स क्या है, ये सब आसानी से ऑनलाइन कंपेयर हो सकता है। अब होम इंश्योरेंस की प्रीमियम, इंश्योरेंस की शर्तें कंपनियों पर निर्भर करती है, जो कि प्रीमियम काफ़ी कम होता है, जिसे आप अच्छे से ऑनलाइन समझकर कंपेयर कर अगर आपको लेना है ख़रीद सकते हैं। देखिए, किसी आपदा पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं हो सकता है, पर उससे हुए नुकसान की भरपाई हमारे हाथ में ज़रूर है, इसलिए अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।